बटलर को मेरा सलाम है, यकीनन बटलर ही ने इस इनिंग को कैरी किया, हौसला दिया। बट याद रखें आप एक आदमी को राइट ऑफ करके 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, वो 12 बॉलों पे 26, और वो मार किसको रहा है? सुनील नारायण को। बटलर ने नारायण की पिटाई नहीं की है इस तरह, दो छक्के एक चौके जो सुनील नारायण को उसने बैक टू बैक मारे हैं ना रोहमन पाल ने, वहां से जान आई है जोस बटलर। तो बटलर ने भाई ऐसी शानदार सेंचुरी की है कि अपनी टीम को ओवर द लाइन लास्ट बॉल फिनिश पे लेके गया और ओवर द लाइन भी लेके गया। कमाल भाई साहब, ऐसी इनिंग्स अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसी इनिंग्स को बयान करते करते। एंड बटलर ओपनर आया और एंड तक खड़ा रहा। आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर 6 विकेट गिरने के बाद 110 रन बनाना, ये रिकॉर्ड बनाया राजस्थान रॉयल्स ने। और जॉस बटलर ने दूसरी दफा इस आईपीएल के सीजन के अंदर, के आधा सीजन हो गया आईपीएल का, दूसरी दफा सेंचुरी स्कोर कर दी है, वो भी चेस करते हुए और वो भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हुए कि उसकी टीम जीती। ऐसे हीरो वाला काम बटलर ने जो कर ही लिया है, बहुत कमाल की बैटिंग की है यार इसने, लाजवाब किस्म की जो बटलर ने बैटिंग। ये जीत में जो रोल प्ले किया है जॉस बटलर ने, उसने दिखाया है कि वो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। वो आईपीएल में क्यों है, उसको क्यों इतना महंगा खरीदा जाता है, वो क्यों एक गेम चेंजर है, वो क्यों एक मैच विनर है। आज उसने बताया कि वो क्यों एक सीजन्ड प्लेयर है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो आईपीएल का हिस्सा है। इसीलिए जो बिग गन्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, ये आईपीएल को दुनिया की दूसरी जो लीग्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज दे डू देयर लेवल बेस्ट। वो अपना 100% यहां पर देते हुए आपको नजर आते हैं और वो आईपीएल को एक बहुत, जिसको आप कहते हैं ना ग्रेटर देन द अदर्स, वो इसको एक बहुत बड़ी एक दुनिया समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन इसके ऊपर। स्टार इतना इतना बेशर्मी, इतनी बेहयाई है कि बंदे को गैरत आ जाए। देखे धक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं, वाइडे होती है, कैच ड्रॉप होते हैं, विकेटें गिरती हैं, विकेटें आती हैं, विकेटें जाती हैं, मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन कोई बंदे के चेहरे पे कोई अफसोस भी आता है, कोई शर्म भी आती है, कोई गैरत भी आती है, कोई हया भी आती है। ये ऐसा लगता है कि पैसे लो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में स्टार को कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए हंसता नहीं देखा। वो हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, गालियां, एग्रेशन, लड़ाई, गुंडागर्दी को सुनने, मुक्के लगाने के लिए तैयार रहता है। आज वाइडे कर रहा है, छिटे कर रहे हैं। वो रघुवंशी साहब ने फलूदा छोड़ दिया, चले वो क्या था। अगर सुनील नारायण जो है 10 ओवर्स के अंदर 9.2 गेंदों पे 56 बॉलों पे 109 रन करके दे रहा है, तो बाकी की टीम जो है वो क्या कर रही है ऑलमोस्ट 11 ओवर में, ये भी तो समझिए ना आप लोग यार। तो बात ये है कि आपके पास बाकी तो पार हिटर्स है, अगर रसल फेल होगा तो क्या आपका यही हाल होगा? चाहे आप लीग देखें, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, बटलर का स्टार्क के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक स्ट्राइक रेट है। असल में शाहीन हो या स्टार्क हो, बटलर ऐसे बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेलता है जो अंदर वाली स्विंग की तलाश में होते हैं। तो ये बटलर ने तो बहुत स्लो खेला है, इसने तो 60 बॉलों पे 100 किए हैं, इसने तो 60 बॉलों पे 107, 109 भी नहीं किए वो तो सुनील नारायण वाले। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सुनील नारायण का जो चप्पू चल रहा है, ठीक है, ये भी रुकने को नहीं आ रहा भाई, प्यारा खेल रहा है, लेकिन ये भी जिस अंदाज से आज मतलब आज वो खेल के गया है, वो मतलब वो तो आखिर में तो लग रहा है मुझे थोड़ा स्लो हो गया था, मगर ये कि जिस अंदाज से उसने खेला, उसने तो ना चहल को छोड़ा ना अश्विन को छोड़ा, ना 105 रन बनाए 8 ओवर में अश्विन और चहल के आज, और ये नेक्स्ट लेवल पे गेम जा चुकी है। जब हम बात करते हैं टाटा आईपीएल हो या कोई भी और T20 की हो, एनहांस किया है अपनी बैटिंग को, और जरूरी नहीं है कि आप हर मैच में रन करो। आज ये चीज सीखी हमने, रोजाना सीखते हैं, लेकिन जब करो तो मैच जिता दो। 2 सेंचुरी 2 मैच जिता दी, 4 पॉइंट्स तो टोटल जॉस बटलर के हैं। इससे पहले लास्ट ईयर के कुछ मैचेस और इस साल का वर्ल्ड कप देखें आप, और इस साल के शुरू के 2-3 मैचेस 4 मैचेस निकाले हैं, जॉस बटलर बिल्कुल ऑफ कलर, जैसे जयसवाल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन इनकी टीम जीतती रही, पराग सामने आ गए, सैमसंग सामने आ गए, कुछ प्लेयर्स आ गए जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और मैच को जिताना शुरू किया उनकी बॉलिंग ने। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, और 2 मेन प्लेयर्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इनके पॉइंट टेबल पे ऊपर ही रहे ये। पहले विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, जॉस बटलर ने सेंचुरी मार के विराट कोहली की टीम को मैच हरा दिया। इस दफा सुनील नारायण ने सेंचुरी मारा, उस वक्त आरसीबी ने 182 किया था, इस दफा 223 स्कोर था। सुनील नारायण ने सेंचुरी मारा, इनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। सुनील नारायण की मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, मानना पड़ेगा पिछला भी एक सेंचुरी डिजर्व करते थे, कर नहीं पाए,
क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो प्रॉपर जनरल बल्लेबाज बन चुके हैं अगर कहें तो। और इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज को चाहिए कि इनको वापस लेकर आए, क्या बल्लेबाजी करने लग गए और ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस देखिए, सेंचुरी भी मारी, दो विकेट्स भी निकाले, क्या शानदार किस्म का। तब भी यही वजह केकेआर रसल के साथ और नारायण के साथ हमेशा जाती है, इनको नहीं छोड़ते। अगर इसमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा केकेआर में, जहां श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मिचेल स्टार्क की भी नहीं आ रही, कभी कभी हाथ चल जाए तो इक्का दुक्का दो तीन विकेट लेकर ये कुछ अपने आप को सुरखुरू करने की कोशिश जरूर करते हैं मिचेल स्टार्क, मगर ये जहां पर अब ये इतने सारे रन से ये भी डिफेंड नहीं हुआ, कितने रन डिफेंड करेगा भाई। भाई देख लो ऐसे मारता है बटलर। दूसरा कप्तानी का एरर है भाई, कप्तानी का माजरत के साथ बहुत जगह एरर है। स्टार्क को लास्ट में आपने क्यों नहीं रखा हुआ था, आप विकेट खरीदने स्टार्क से क्यों जा रहे हैं जबकि नया बॉल स्विंग नहीं होता। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत महंगा आदमी ले लिया होता है तो आप जबरदस्ती लगे रहते हैं, आपने मैच पढ़ा ही नहीं कि जब स्टार्क की बॉल स्विंग नहीं हो रही थी तो भले वो आखिर में रन्स कंसीड कर देता, आप उसे कहते भैया मुझे भर भर के ताकत से लौट करे मार के दे यार। ये भी बताऊं अजीत राणा और ये लोग जो है बेचारे स्पेस से विभव एंड में बटलर, अगर थाना भाई के बल्ला चलाना लॉन्ग हैंडल तो भैया फिर वो बटलर को थोड़ी रोक पाएंगे, नया बॉल थोड़ी है कि चलाकियां चल जाएंगी, चतुराई चल जाएगी, स्विंग हो जाएगा। भाई है तो 135-135 के आसपास के बॉलर ना, कोई यश ठाकुर जैसे भी 140 तक नहीं आते, वो फिर उसकी बात तो रहने दो जो लंगड़ा लूला हो गया मैं गया था, यश ठाकुर वाली पेज भी नहीं निकलती, लेकिन दोनों बड़े स्किलफुल है। केकेआर की तारीफ तेज मार दी उसने कल 145 की, किसने भूवी ने, भुवनेश्वर कुमार मजाक अपने ठीक है, बैट लगती उसके बाद वो ड्रॉप हो गया, भुवनेश्वर कुमार कमजोर नहीं। एनीवेज बात ये है, ये इनकी जब शक्लें, आखिरी बात सुने, इनकी जब शक्लें बनती है ना शक्ल, ओ भाई मेरे बात सुनो, तुझे अय्यर किसने कहा तू बल्ला पकड़ के ऊपर आ, बार बार मैं आपको बार बार मोहसिन एक्सपोज्ड मोहसिन अंडरग्राउंड मोहसिन एक्सपोज्ड, तुम सारी दुनिया के इकट्ठे कर लो मुझे एक्सपोज नहीं कर सकोगे, मेरी रीडिंग गलत हो जाएगी, हो सकती है मैं इंसान हूं लेकिन हम यहाँ 6-6 घंटे जो ग्लूड रहते हैं सारी चीजें छोड़ देते हैं मैच देखते हैं। बटलर इज द गाय भाई साहब, मैच विनर मैच चेंजिंग परफॉर्मेंस इसी को बोलते हैं, 100 भी आया पिछले एक दो मैच पहले भी, अभी फिर 2 आया, बीच में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंजर सूखापन, 0-0 पे आउट हो रहा है, 0-0-0-0, लेकिन प्लेयर हो तो ऐसा हो कि जिससे आप उम्मीद लगा सकें कि अगर वो क्रीज पर खड़ा है तो मैच जिता के आएगा, तो अगला गैप ओपनर और आखिरी गेंद में मैच जिता के आया, और वो भी बीच में, मतलब सिंगल डबल लेने वाला होता तो शायद कि आखिरी गेंद की भी नौबत ना आती। पहले भी था यार वो उमर अकमल का बोल जाती है 2013 में, यूं छोड़ी यूं अंदर नया नया जब आया था, असल में सख्त विकेटों पे जब स्विंग नहीं होगा तो भुवनेश्वर कुमार भी रन देगा, बहुत से बड़े बड़े और भी नाम है, असल में ये आसिफ अली को जो है ना वो सीरियसली लिया था इसने, अगर वो जुगाड़ के रन थे यार, वो फुल टॉस से उल्टा, वो असल तो वही सेमीफाइनल है ना जो बटलर और हेल्स ने धोया उसका अताब है, तो उस मैच में कौन बचा। अच्छा सभी इन दोनों इस मैच की दोनों इनिंग्स अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ 100-100 ही मिलेंगे आपको, एक 109 फिर 107।